नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए शेक्सपियर के खजाने से एक ऐसी चीज लेके आया हूँ जिसकी खोज मैंने बहुत मेहनत से की है। और ये क्वेश्चन जरूर आया है यूजीसी नेट में, हर बार एक या दो क्वेश्चन ऐसे जरूर आते हैं जिनमें हमसे ये पूछा जाता है कि सो एंड सो वर्क किस वर्क पर बेस्ड है। तो आपको पता है शेक्सपियर सबसे इम्पोर्टेंट राइटर है, तो इसके जो हैं आज तक आपको यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिए, आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। स्टार्ट करते हैं, तो शेक्सपियर का वर्क है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। एंट्री एंड क्लियोपेट्रा के ऊपर तीन फेमस वर्क बेस्ड हैं, जोइस कैरोल ओएट्स का न्यू हेवन न्यू अर्थ। अब क्वेश्चन आता है कि सर न्यू हेवन न्यू अर्थ किसके ऊपर बेस्ड है, हमें नहीं पता होता। इवा फिगेस का है सेवन एजेस और फ्रांस्को सैगन का है सैलड डेज। शेक्सपियर वो पारस है जिसे छूते ही हर चीज सोना बन जाती है। हमें सेवन एजेस के बारे में नहीं पता, लेकिन ये वर्क इसीलिए फेमस हो गया इवा फिगेस का क्योंकि इसने अपने वर्क का टाइटल शेक्सपियर के वर्क से लिया। तो ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं, आप लास्ट ईयर के नेट के पेपर देख लीजिए, आपको हमेशा एक ना एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो शेक्सपियर के ऊपर बेस्ड होगा। और उसमें आजकल ये पूछा जाएगा, या तो कोट पूछा जाता है या पूछा जाता है कि उसके ऊपर कौन सा वर्क बेस्ड है। एज यू लाइक इट का मैंने हमेशा बताता हूँ सर, थॉमस हार्डी ने, बहुत ही फेमस वर्क है अंडर द ग्रीनवुड ट्री। बहुत ही फेमस वर्क है थॉमस हार्डी का अंडर द ग्रीनवुड ट्री, और वो ज्यादा इसलिए फेमस है क्योंकि वो शेक्सपियर के एज यू लाइक इट पे बेस्ड है। हैमलेट के ऊपर सबसे ज्यादा वर्क बेस्ड है जैसे रिचर्ड मैथ्यूसन का व्हाट ड्रीम्स मे कम, एडिथ वार्टन का द ग्लिम्प्स ऑफ मून, डेविड फोस्टर वालस का इनफिनाइट जेस्ट, पीटर स्पेंस का टू द मैनर बॉर्न, स्टीफन बैरकोफ का आई एम हैमलेट। ये एक प्ले है। मोनिका डिकेंस का द विंड्स ऑफ हेवन, एंथनी पोवेल का इन्फेंट्स ऑफ द स्प्रिंग, फिलिप के डिक का टाइम आउट ऑफ जॉइंट, निगेल बाल्चिन का किंग्स ऑफ इन्फिनाइट स्पेस, इजाक एसिमोव का द गॉड्स देमसेल्फ, एडोल्फ हक्सली का मॉर्टल कॉइल्स, ग्रैहम ग्रीन का द नेम ऑफ एक्शन, अगाथा क्रिस्टी का द माउस ट्रैप प्ले। आपको पता होगा कि हैमलेट जो है इसे माउस ट्रैप प्ले भी कहा जाता है, मतलब माउस ट्रैप प्ले मतलब प्ले विद इन ए प्ले। जैसे अगर आपने वो इंडियन मूवी कर्ज या ओम शांति ओम देखी हो तो उसके अंदर क्या होता है कि प्ले विद इन प्ले होता है। फिल्म के अंदर एक और सीन दिखाया जाता है, नाटक के अंदर एक और नाटक दिखाया जाता है। जॉर्ज हेयर का नो विंड ऑफ ब्लेम, टॉम स्टॉपर का बहुत ही फेमस प्ले है रोजनक्रेंट्स एंड गिल्डेस्टर्न्स आर डेड, डेविड फोस्टर वालेस का इनफिनाइट जेस्ट। तो ये सब के सब फेमस प्ले हैं और ये इसलिए ज्यादा फेमस हो गए क्योंकि इन्होंने शेक्सपियर के वर्क में से लाइंस को कोट कर लिया। जूलियस सीजर का फेडरिक फोर्सिथ द डॉग्स ऑफ वार, थॉर्नटन विल्डर का द आइडियाज ऑफ मार्च, दोनों ही बहुत ही फेमस वर्क हैं। किंग जोन्स पर तो चार्ल्स डिकेंस ने वर्क लिखा है ट्वाइस टोल्ड टेल्स, नथानियल हाथरोन का ट्वाइस टोल्ड टेल्स, एरिल स्टैनले गार्डनर का द केस ऑफ द गिल्डेड लिली, स्टेला गिबन्स का कोल्ड कंफर्ट फार्म। किंग लियर, किंग लियर भी आपको पता है सबसे फेमस है, पर्ल्स एस बुक का वर्ड्स ऑफ लव, होनेर डी बालजेक का ए फादर्स कर्स एंड अदर स्टोरीज, फ्रांसिस किंग का एक्ट ऑफ डार्कनेस, एरिक लिंकेटर का राइपनेस इज ऑल, इजाक एसिमोव का द गॉड्स देमसेल्फ, पीटर स्टारबव का फुल सर्किल और डैनियल स्टील का फुल सर्किल। मैकबेथ, एलेस्टर मैकलीन का द वे टू डस्टी डेथ, अगाथा क्रिस्टी का बाय द प्रिकिंग ऑफ माई थम्स,
रे ब्रैडबरी का समथिंग विकड दिस वे कम्स, विलियम फॉकनर का द साउंड एंड द फ्यूरी बहुत ही फेमस वर्क है, टेरी प्रैटचेट का वर्ल्ड सिस्टर्स, जोनाथन विंडहम का द सीड्स ऑफ टाइम, जॉन स्टीनबेक का द मून इज डाउन, बॉब शाह का डैगर ऑफ द माइंड, रिशेल ब्लिंगटन का ए पेंटेड डेविल, पाउल बाउल्स का लेट इट कम डाउन, एम्ब्रोस बिसेर का कैन सच थिंग बी, एलेरी क्वीन का डबल डबल, टेड ह्यूज की बहुत ही फेमस है फोर टेल्स टोल्ड बाय एन इडियट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस का फे किलरमैन का द क्वालिटी ऑफ मर्सी, एरिका जोंग का शाइलक्स डॉटर ए नोवल ऑफ लव इन वेनिस, फ्रांसिस बर्किंसन केस का ऑल दैट ग्लिटर्स, पेरिक्लीस पर जॉर्ज हेयर का बिहोल्ड हेयर इज पॉइजन, रिचर्ड थर्ड पर ओ हेनरी ने बहुत ही फेमस वर्क लिखा है सिक्स एंड सेवंस, रिचर्ड मैथसन का बिड टाइम रिटर्न, रिचर्ड थर्ड पर जॉन स्टीनबर्ग का द विंटर ऑफ आवर डिस्कंटेंट, रोमियो जूलियट पर डोरथी पार्कर का नॉट सो डीप एज ए वेल, फोर्ड मैक्सफोर्ड का इट वॉज द नाइट एंगल बहुत ही फेमस वर्क है इट वॉज द नाइट एंगल, द टेम्पेस्ट का रॉबर्ट ब्लूच का सच स्टफ एज क्रीम्स आर मेड ऑफ, एडोल्फ हक्सले का ब्रेव न्यू वर्ल्ड बहुत ही फेमस वर्क है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, टिमोन्स ऑफ एथन पर व्लादिमीर नाबोकोव की पेल फायर बहुत ही जबरदस्त वर्क है पेल फायर, ट्रूमैन कैपोटी का इन कोल्ड ब्लड एंड विलियम ट्रेवर का फूल्स ऑफ फॉर्चून, टाइटस एंड्रोनिकस का इरविन शाह जेंटल पीपल, ट्रायलस एंड क्रिसीड पर दो फेमस वर्क है इजाक एशिमोव का द गोट्स देमसेल्फ्स, पिर बॉल का नोट द ग्लोरी, ट्वेल्थ नाइट का विलियम सोमरसेट मॉगम का केक्स एंड एल, अगाथा क्रिस्टी का सेट साइप्रस, सोनेट्स पर भी कुछ फेमस वर्क्स हैं एच ई बेट्स का द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, जॉन मोर्टिमर का समर्स लीज, एंथनी बर्गेस का नथिंग लाइक द सन एंड माइकल प्रॉस्ट का रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग पास्ट, ये जो सब फेमस वर्क हैं ये कुछ वैसे भी फेमस है और इसलिए ज़्यादा फेमस हो गए क्योंकि ये वर्क शेक्सपियर के ऊपर बेस थे और मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा यकीन है कि सर इसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता, ये सब के सब मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क हैं। सो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको एग्ज़ाम में पूरा हेल्पफुल साबित होगा, आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।